स्वागत है दोस्तों आपके एक न्यू वीडियो पे। आज हम हमारे पास है रेडमी नोट 10 प्रो। इसमें आपको जो सेटिंग्स करके दिखाऊंगा, आप कोई भी मोबाइल पर जो ये सेटिंग कर सकते हैं, नोटिफिकेशन लाइट सेटिंग, आप कोई भी मतलब आपका जो स्मार्टफोन है उसमें वर्क करेगा। ये नहीं कि ओनली रेडमी नोट 10 प्रो सीरीज पे किसी भी मोबाइल को वर्क करेगा। आपके अगर पास किसी भी अगर किसी ब्रांड का स्मार्टफोन है उसमें वर्क करेगा। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। कैसे करते हैं नोटिफिकेशन लाइट मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कैसे करते हैं नोटिफिकेशन लाइट, और यहाँ से आपको बहुत सारे ट्रिक भी पता चलेगा इस वीडियो से। ये देखिए अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा तो मतलब ब्राइट कितना अच्छा लगेगा। तो ये है खासियत ऐप्स का। तो यहाँ पर मैं आपको ऐप्स पे जो जाके भी बता देता हूँ कैसा करना है, आपको कुछ कुछ थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। देखिए दोस्तों कैसा वर्क कर रहा है ये फ्लिकरिंग, यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ देखिए मतलब कितना अमेजिंग हो रहा है ये सेटिंग आप करने के लिए। इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर। तो चलिए चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सिंपल सा स्टेप है जिसमें आपको नोटिफिकेशन लाइट मिलेगा। आपको कोई भी मोबाइल हो, आपका जो भी स्मार्टफोन हो, उसमें आप एनेबल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है वो आपको वीडियो अंत तक बने रहना है, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो पहले आप अपना जो स्मार्टफोन का जो प्ले स्टोर होता है वहां पर जाइए। तो यहाँ पर आपको एक ऐप्स दिखाई देगा, जैसे कि मेरा यहाँ पर इगैट लाइटिंग, यहाँ पर आपको सर्च मारना है, यहाँ पर ये सर्च मारना है। आप देखिए मैं जैसे मार रहा हूँ, ये देखिए लाइटिंग दिखा रहा है, इगैट लाइटिंग। इसमें सर्च मारने के बाद आप पहली बार जो आ रहा है पहले पहले मतलब ये वाला, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल पर। ये मतलब और पर्पल कर रहा है, मैंने इसको कई बार टेस्ट कर चुका हूँ। ये पर्पल मतलब पूरा प्रिया मतलब और कर रहा है सभी मोबाइल पर। अगर आपके पास रेडमी का कोई भी अगर स्मार्टफोन नहीं है फिर भी आपका ये मतलब जो नोटिफिकेशन लाइट है वो वर्क करेगा। तो क्या करना है ऐप्स को, मैं अभी तो मेरा तो अभी इंस्टॉल है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक सेटिंग्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ओपन कर लीजिए, देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा बल्ब की तरह। देखिए यहाँ पर ऐप्स ओपन होने वाला है तो थोड़ा प्रोसेस, यहाँ पर मतलब अलाउ एडिटिंग मेक एंड मैनेज फुल कॉल्स तो लिखा हो रहा है तो इसे अलाउ करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको पहला वाला जो है ड्रॉ ओवर एप्लीकेशन, इसे ऑन करने के लिए आपको डिस्प्ले ओवर द ऐप पर जाना है, मतलब आपके सेटिंग्स में चला जाएगा। तो यहाँ पर उस ऐप को एयर लाइटिंग को यहाँ पर सच मतलब दिखाएगा, उसे आप ऑन कर लीजिए। देखिए मैंने जैसा ऑन किया, आप फिर से बैक आ जाना है। यहाँ पर और कुछ सेटिंग्स है, इसे भी आप जो इनेबल कर दीजिए, जो कि लाइट है इसे मतलब ऑन करना जरूरी है। यहाँ पर देखिए चारों ओर आ रहा है। तो यहाँ पर फ्लिकरिंग, मैं फ्लिकरिंग करता हूँ, फ्लैशिंग मतलब फ्लैशिंग है सर, सॉरी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ है जो कैपेबिलिटी राउंड, ये थोड़ा बड़ा होगा या छोटा, ये सब है। मैं इसे अभी ऑन नहीं करूँगा तो आप, मैं नीचे आपको बताता हूँ क्या करना है। आपके यहाँ देखिए मिक्स कलर दिखा रहे हैं, तो मिक्स कलर ऑन करना है। देखिए अभी कितना मतलब प्रीमियम लुक दे रहा है। ये आप कोई भी मोबाइल पर कर सकते हैं, जब आपको नोटिफिकेशन आए ऐसा ही आपको लाइटिंग करेगा। सो यहाँ पर देखिए ये है, ये देखिए बड़ा हो गया। अभी मैं छोटा भी करके दिखाता हूँ आपको, देखिए कैपेबिलिटी, इसमें आप कैपेबिलिटी आप चेक करवा सकते हैं। तो ये ऐसा ही रहना देना है। तो यहाँ पर डायरेक्शन आपको कस्टम कर सकते हैं, यहाँ का स्पीड बढ़ा सकते हैं, थिकनेस बढ़ा सकते हैं। थिकनेस आपको कमा के या बढ़ा के दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए थिकनेस अभी बढ़ा के दिखाता हूँ। देखिए ये अभी बढ़ गया, मतलब थिकनेस बढ़ा है, देखिए अभी कितना मतलब बड़ा हो गया। देखिए अभी थिकनेस एकदम छोटा करके दिखाता हूँ, मैं छोटा नहीं करूँगा तो आपका जो स्मार्टफोन है इसमें नहीं दिखेगा, तो मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पर आप स्पीड भी स्लो कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो स्पीड है देखिए अभी कितना फास्ट हो रहा है। देखिए अभी जो नॉर्मल स्पीड है बहुत स्लो, देखिए ये अभी बहुत स्लो हो रहा है। मतलब मुझे जो है स्लो और मीडियम की जो नॉर्मल के उसमें जो मिडिल का होता है वो अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जो फ्लिकरिंग थोड़ा थोड़ा होता है। डायरेक्शन आप चेक चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया सेटिंग्स। यहाँ पर आपको एक और सेटिंग्स करना है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पर जाना है, ड्रॉ ओवर एप्लीकेशन यहाँ पर लिखा होगा वो तो ऑटोमेटिक ऑन होगा। यहाँ पर रिसीव नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, इसे ऑन करना है। ऑन करने के लिए आपको गेट लाइटिंग पर जाना है, यहाँ पर आपको ऑन करने के लिए ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ परमिशन, ये डेंजर दिखाई दे रहा है, पर ये डेंजर नहीं है, ये नोटिफिकेशन को एक्सेस करेगा और उसके लिए आपको नोटिफिकेशन लाइट देगा, तो इसे ऑन करना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए आपके जैसे मेरे जैसा ऑन कर देना है आपको, ये देखिए हो गया। अभी आप यहाँ पर कुछ भी करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको और दो सेटिंग्स करना है। देखिए आप मुझे मेरा वीडियो को मतलब अच्छे से देखिए, पता चलेगा आपको।
तो यहाँ पर अनाबल करना है इसे भी। देखिए हेलो नाइस टू मी टू लिखा रहा है, तो ऐसा ही आपको लिखा होगा। तो यहाँ पर दोनों सेटिंग्स को ऑन करना है। दोनों सेटिंग्स को ऑन करने के बाद आप ऑन हो जाएगा। उसके बाद देखिए डिस्प्ले ओवर दिखा रहा है, तो इसमें आप कुछ नहीं करना है, आपको कुछ और सेटिंग्स करना है। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले व्हाइल स्क्रीन ऑफ ये लिखा हो रहा है, तो ये लिखा हो रहा है यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसे भी ऑन कर सकते हैं। एडवांस हाइड कंटेंट और लॉक स्क्रीन ये भी कर सकते हैं। ब्लॉक नोटिफिकेशन टॉप अप ये भी कर सकते हैं। तो मुझे इनमें से कोई करना नहीं है। यहाँ पर देखिए नीचे जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ये है मेन सेटिंग्स दोस्तों। इसमें आपको दिखाएगा कि कौन कौन ऐप्स पर आप जो सेटिंग्स चाहते हैं उसी ऐप पर आप ऑन करिए। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ जो कि है मैसेंजर, आपको यहाँ पर देखिए मैसेज जो कि मैसेज एप्लीकेशन है वहाँ पर मैं चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए ये देखिए हो गया, तो आप ऑन करते ही ऐसा आपको दिखाई देगा। मतलब आप समझ लेना कि आपका जो सेटिंग्स है वो ऑन हो गया है। आपको मैंने जो जो सेटिंग बताया उसे ऑन करना है आपको। अगर आप इसमें कोई भी आपका जो सभी ऐप्स आपको दिखाई देगा, तो आप इसमें से कोई ऐप्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको नोटिफिकेशन लाइट मतलब कर सकते हैं। तो ये था मतलब आपके लिए नोटिफिकेशन लाइट सेटिंग्स सभी मोबाइल के लिए। अगर ये वर्क नहीं करे तो आप मुझे नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं एक न्यू ऐप्स आपके लिए लेके आऊँगा जिससे आपको प्रॉपर वर्क करेगा। ये वर्क कर रहा है दोस्तों मेरे मोबाइल पर, मैंने कई बार चेक किया उसके बाद ही वीडियो डाल रहा हूँ। आप अगर इस वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलेगा और मैं और अच्छा अच्छा के लिए ट्रिक आपके के लिए लाऊंगा। तो इस वीडियो को एक से लाइक कर दीजिए। तो और इसमें और कुछ सेटिंग्स है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो इसी वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।